दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपने रॉकेट थ्रो से सैमसन ने किया पूरन को रन आउट, तो उड़ गए पूरे स्टेडियम के होश। महेंद्र सिंह धोनी की तरह विकेट के पीछे संजू सैमसन ने लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन भेजकर करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया। तो आखिर क्या थी वह घटना जिसे देखने के बाद सभी को धोनी की याद आ गई। संजू के उस लेजेंडरी रन आउट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है संजू सैमसन और केएल राहुल में कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों लखनऊ और राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले में निकोलस पूरन दमदार पारी खेल रहे थे। जहां एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे तो वह चट्टान की तरह मैदान में टिके हुए थे। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से लखनऊ को 150 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी ओवर में संजू सैमसन ऐसा चमत्कार करते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। आपको बता दें गेंदबाजी कर रहे संदीप शर्मा ओवर की पांचवी गेंद पर कुणाल पांडे को बुरी तरह से बीट कर देते हैं और गेंद संजू के दस्तानों में चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद दोनों बल्लेबाज चालाकी दिखाते हुए रन लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर यह उन्हें बहुत भारी पड़ा। जैसे ही गेंद संजू के दस्तानों में आई उन्होंने विकेटों पर इतनी शानदार थ्रो करी कि निकोलस पूरन क्रीज से बहुत दूर रह गए और अपनी टीम को मझधार में छोड़कर वापस लौट गए। संजू ने इतने शानदार अंदाज में वह रन आउट किया था जिसे देखकर तो सभी दंग रह गए। लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था, तो वहीं इस रन आउट के बाद लोग इसकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से भी करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, संजू राजस्थान को IPL चैंपियन बना सकते हैं या नहीं, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।